लोकसभा में सोमवार को पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई, लेकिन इस बहस के बीच एक सबसे दिलचस्प मौका तब आया जब सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा चुनावों में बीजेपी द्वारा अभिनंदन के नाम का इस्तेमाल किए जाने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अभिनंदन की मूछों को केंद्र सरकार को राष्ट्रीय मूछ घोषित कर देना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, विंग कमांडर अभिनंदन को सम्मानित किया जाना चाहिए और उनकी मूछों को राष्ट्रीय मूछ घोषित किया जाना चाहिए। चौधरी ने सदन में बालाकोट एयर स्ट्राइक की तारीफ की। अधीर रंजन चौधरी ने बहस के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। चौधरी ने पीएम मोदी से सीधा सवाल पूछा है कि क्या वह 2G और कोयला घोटाले में किसी को पकड़ पाए हैं। इतना ही नहीं, चौधरी ने कहा, आप सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सलाखों के पीछे भेज पाए? आप उनको चोर कहते हुए सत्ता में आए तो अब वो संसद में कैसे बैठे हैं? बता दें कि आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने की। उन्होंने इस दौरान सदन में बोलते हुए कहा कि लोग भारत के टुकड़े टुकड़े करने तक जंग रहेगी और पाकिस्तान जिंदाबाद, अफजल गुरु जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। क्या उन्हें देश में रहने का अधिकार है? सदन में आज का दिन काफी गहमा गहमी वाला रहा। तो दोस्तों, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के इस बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या आप भी चाहते हैं अभिनंदन की मूछें राष्ट्रीय मूछें घोषित हों? कमेंट करके जरूर बताएं।